नवरात्रि के 9 रोज और माता के 9 स्वरूप, हर रोज की एक कथा लेकर, यानी कि माता के हर स्वरूप के प्राकट्य की एक कथा लेकर आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनक चोपड़ा आप सभी के लिए हाजिर। चलिए जानते हैं पहला नवरात्र यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। तो चलिए जानते हैं आज माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ, कैसे हुआ उनका प्राकट्य। शिव सती और दक्ष की कथा कौन नहीं जानता। जब दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसमें अपने जमाता और अपनी बेबी सती को बुलाया नहीं था, जिस यज्ञ में मां सती ने अपना देह त्याग किया था, क्योंकि जब उन्होंने अपने पिता से ये कारण पूछा उनके पति को यानी कि प्रभु भोलेनाथ को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया, उनके पिता ने भोलेनाथ को बहुत अपशब्द कहे थे और अपने पति की निंदा सुनना किसी भी स्त्री को मान्य नहीं। उस समय माँ सती ने ये प्रण किया था कि जो उनका ये शरीर है अपने पति की निंदा सुनने के कारण और अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण अपवित्र हो चुका है। उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था और अगले जन्म में माँ शैलपुत्री स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। वही माँ शैलपुत्री जिन्हें पार्वती नाम से पूजा जाता है और जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से प्रभु भोलेनाथ का मन जीत लिया था और उन्हें पति रूप में पाया। माँ शैलपुत्री का विशेष भोग है दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई। कहते हैं माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग चढ़ाते हैं और उस भोग को ग्रहण करते हैं, उससे आपके शरीर के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और रोगों से आपके शरीर का निवारण होता है। ऐसे ही हर रोज आपके लिए एक कथा लेकर आपका ये दोस्त रोज यानी मैं कनक चोपड़ा पहुंच जाऊंगा। आपने बने रहना है मेरे साथ। तब तक के लिए जय माता दी।